आज विशेष रूप से अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी, लगातार हम सब का मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, कपकोट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सुरेश गढ़िया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई इंद्र सिंह फरसवाण जी, नगर पालिका के अध्यक्ष श्री सुरेश खेतवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन बसंती देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री राजेंद्र बिष्ट जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय भौरियाल जी, भाई शिव सिंह बिष्ट जी, शेर सिंह गढ़िया जी, ब्लॉक प्रमुख बागेश्वर पुष्पा देवी जी, ब्लॉक प्रमुख गरुण हेमा बिष्ट जी, ब्लॉक प्रमुख कपकोट गोविंद सिंह दानू जी, वीरेंद्र सिंह बल्दिया जी, अनिल शाही जी, गिरीश परिहार जी एवं हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, नगर पालिका के सभी सभासदगण, हमारी जिलाधिकारी अनुराधा पाल जी एवं पुलिस अधीक्षक श्री हिमांशु खुराना जी, अजय टम एवं यहाँ पर उपस्थित इस उत्तरायणी कौतिक मेले में सहभाग करने वाले सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, मैं आप सभी को देवभूमि के महान लोकप्रिय लोक पर्व उत्तरायणी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं कुमाऊं की काशी बागेश्वर में बाबा बागनाथ के मंदिर की छांव तले सरयू गोमती और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम तट पर आयोजित होने वाले उत्तरायणी मेले की आप सभी को बधाई देता हूँ। भाइयों बहनों, मकर संक्रांति एकमात्र पर्व है जिसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से व्यापक महत्व है। हम सभी मकर संक्रांति को सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ भीष्म पितामह के देह त्याग के दिन के रूप में भी जानते हैं, और सूर्य के उत्तरायण में आते ही अच्छे दिन, जिनको कि शुभ दिन कहा जाता है, या हम यह भी कह सकते हैं कि देवताओं के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। विज्ञान के अनुसार सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है, इसलिए मकर संक्रांति का यह पावन पर्व एक राजा का अपनी प्रजा के घर जाने का दिन भी माना जाता है। संक्रांति का अर्थ है परिवर्तन। इस दिन सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसे पुण्य काल भी माना जाता है और संक्रमण काल के रूप में स्वीकार किया जाता है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पतित पावनी सरयू नदी, खासकर त्रिमादी स्नान के साथ पौराणिक बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का पौराणिक काल से ही विशेष महत्व रहा है। भाइयों बहनों, राष्ट्र की सांस्कृतिक विविधता को समाहित करने वाला यह सांस्कृतिक आयोजन हम सभी को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन के संकल्प को भी याद दिलाता है। भाइयों बहनों, आपने हमेशा हम सभी को अपना प्यार दिया है। आज भी इस मेले के शुभारंभ में आप सभी ने मुझे बुलाकर जिस अपनत्व का परिचय दिया, मैं आप सबका आभारी हूँ। कुछ तकनीकी कारणों से मैं आप सब के समक्ष उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, इसका मुझे खेद है। मैं शीघ्र ही आप सबके समक्ष आऊँगा। आप सभी को सच में एक बात बताऊँ तो मुझे बड़ी प्रतीक्षा थी कि मैं आज मुख्य सेवक के रूप में आप सबके बीच में आता और इस मेले में प्रतिभाग करता। मुझे बचपन से ही मेलों में जाने का बहुत शौक रहा है, इसलिए आज भी मुझे बचपन के दिनों की याद आ रही थी और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप सबके बीच में पहुंचूं।
मुझे प्रसन्नता है कि यह सांस्कृतिक मेला हमारी विलुप्त होती लोक विरासत को संरक्षण प्रदान कर रहा है। आने वाली पीढ़ी को हम लोक संस्कृति से परिचित कराने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि उत्तराखंड की जो हमारी लोक संस्कृति है, हमारे लोक पर्व हैं, उन सभी को पहचान उनकी लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित होती रहे, हमारी नई पीढ़ी को लगातार वो प्राप्त होती रहे। इसको लेकर पिछले दिनों जहां हमने बूढ़ी दिवाली इगास के दिन राजकीय अवकाश घोषित किया है, उसी प्रकार से इस बार हमने यह तय किया था कि उत्तरायणी का ये पर्व हमारा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर मनाया जाए। और इसके तहत इस बार हमने सभी को उत्तरायणी के पर्व मनाने के लिए अनेकों स्थानों को तय किया था। राष्ट्र और संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप से जानने का अवसर प्रदान करने वाला यह सांस्कृतिक मेला निश्चित रूप से हमारी आगामी पीढ़ी के लिए सामाजिक समरसता को प्रगाढ़ करने का कार्य भी करेगा। ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से हमारे राज्य के कलाकारों को भी एक मंच प्राप्त होता है और उनकी कला को एक मंच प्रदान होता है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। भाइयों बहनों, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि समूचे भारत का सांस्कृतिक वैभव बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी उत्तराखंड की हमारी सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार सार्थक प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का विकल्प रही संकल्प लिया है। इस संकल्प की पूर्ति होती हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास कार्यों की एक नई श्रृंखला स्थापित करने का कार्य किया है। बागेश्वर भी इससे अछूता नहीं है। हमारे लोकप्रिय सांसद अजय टमटा जी लगातार भारत सरकार में इस क्षेत्र की पैरवी करते हैं। हमारे यहाँ के मंत्री चंदन रामदास जी और कपकोट क्षेत्र के युवा विधायक सुरेश गढ़िया जी के नेतृत्व में भी यहाँ हो रहे विकास के कार्य इसका एक मैं कहूँ कि प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी से एक आह्वान भी करना चाहता हूँ कि मैं आप सभी से हमारी सरकार के श्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण के संकल्प को पूरा करने में अपने दायित्वों को निर्वहन की भी अपेक्षा करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारी सरकार के इस पुनीत कार्य, इस पुनीत लक्ष्य को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे और उत्तराखंड को देश का नंबर वन राज्य बनाएंगे। भाइयों बहनों, हमने यह भी तय किया है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। मुझे आप सबके बीच में आकर आज यह बात बागेश्वर से ही कहनी थी, लेकिन चूंकि मैं वहां न पहुंचकर इन संचार के माध्यमों से आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा उत्तराखंड राज्य पर है। ज़्यादातर हिस्सों में यहाँ कोहरा नहीं होता है। जब मैदानी क्षेत्र में कोहरा कोहरा होता है, धूप निकलने में कई कई दिन लग जाते हैं, उस समय भी हमारे यहाँ विभिन्न स्थानों पर सूर्यदेव प्रकट होते हैं। अतः सौर ऊर्जा का उपयोग आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। हम शीघ्र ही ऐसी आकर्षक और ऊर्जा नीति लेकर आएंगे जिससे यहाँ के युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार से जुड़ने का अवसर प्रदान होगा। इसमें परियोजना को लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी और हमारा यह भी प्रयास होगा कि अधिकांश हमारे जो नौजवान भाई बहन रोजगार के लिए अनेकों स्थानों पर जाते हैं, वो रोजगार मांगने वाले न बने भविष्य में, बल्कि रोजगार देने का काम उनके माध्यम से होगा। इस बार कटारमल, टनकपुर, रुद्रप्रयाग सहित प्रदेश में अनेकों स्थानों पर मकर संक्रांति का यह पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और यह उसी का हिस्सा है जिसमें हमने यह तय किया है कि जो हमारी पारंपरिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनको पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक पहचान दिलाई जाए। भाइयों बहनों, एक बार मैं पुनः आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए और अभी हमारे
क्योंकि अन्य लोगों को भी मैं सुनता, लेकिन अनेकों कार्यक्रमों में अभी भाग लेना है इसलिए मैं आप सबको सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं एक दो जो काम जो भविष्य में होने वाले हैं उनकी घोषणा आज करना चाहता हूँ। एक विधानसभा बागेश्वर के अंतर्गत जो हमारा रेलवे मानचित्र में स्थान दिलाए जाने के लिए, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कराए जाने के लिए जो प्रयास हमारे चल रहे हैं, उन प्रयासों को और अधिक गति प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ बागेश्वर में एक खेल मैदान का, खेल स्टेडियम का निर्माण भी किया जाएगा। अतिरिक्त इसके अलावा गरुड़ के गोलू मार्केट में स्थित दुकानों को विनियमितीकरण किए जाने के प्रयास भी किए जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र कपकोट में बालीघाट धर्मघर मोटर मार्ग का सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा। पॉलिटेक्निक कपकोट में भवन निर्माण के लिए जल्द ही धनराशि निर्गत की जाएगी। अंत में आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए मुख्य विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी का और आए हुए सभी अतिथियों का मैं दिल की गहराइयों से हमारे इस सांस्कृतिक नगर बागेश्वर में पधारने पर सबका, मैं आप सबकी तरफ से भी आप दुष्यंत जी का, आए हुए अतिथियों का बहुत अभिनंदन करते हुए और धन्यवाद करते हुए मैं एक बार पुनः आप सभी को इस भव्य सांस्कृतिक मेले के आयोजन एवं उत्तरायणी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की।